إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. حمد و ثنا کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی آیت کی روشنی میں آج کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, تو ان سب نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, اور یہ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ, اور انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. اس آیت میں جو لفظ امانت آیا ہے اس کا بہت وسیع معنی ہے. یہاں پورا دین مراد ہے. دین کی بنیادی جزوی تمام باتیں اس کے اندر داخل ہیں. یعنی دین اسلام اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. عقیدہ توحید امانت ہے ہمارے پاس. عقیدہ رسالت امانت ہے ہمارے پاس. محبت رسول امانت ہے ہمارے پاس. اطاعت رسول امانت ہے ہمارے پاس. حقوق الوالدین امانت ہے ہمارے پاس. حقوق الاولاد یہ امانت ہے ہمارے پاس. جملہ عبادات یہ امانت. گویا دین پورا کا پورا ہمارے پاس امانت ہے. ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے آپ کو ٹٹو لیں کہ جس امانت کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے کیا واقعی ہم اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اسلام امانت ہے.
जिसे आसमानों ने उठाने से इनकार कर दिया, जमीन ने उठाने से इनकार कर दिया, पहाड़ों ने उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने इस बोझ को उठा लिया। अल्लाह ताला की तौहीद का अकीदा कि वही अकेला इबादत के लायक है और वही इस सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वही अकेला इस पूरी कायनात का निज़ाम चलाता है, कोई उसका मुशीर वजीर मददगार नहीं है, उसे किसी की हाजत और ज़रूरत नहीं है, इस कायनात के दर्रे दर्रे से वाकिफ है, इस कायनात का दर्रा दर्रा उसके ताबे है, वही रोज़ी देता है, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, वही औलाद देता है, वही रिस्क में बरकत अता फरमाता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है। अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद है और क़ुरान करीम के मुताबिक तमाम अंबिया की दावत है। हर नबी ने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया, तो तौहीद के अकीदे में अगर खयानत हो रही है तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़े नुकसान का मसला है, दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। शायर ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। ये अकीदा तौहीद वो अकीदा है कि अगर हम इसका सही माना में हक अदा करें और अकीदा तौहीद के तकाज़ों को पूरा करें और उन तकाज़ों ही की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन आज मेरे भाइयों, इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, मोहब्बत रसूल के नाम पर, मोहब्बत अवलिया के नाम पर खुला शिर्क हो रहा और उम्मत के बेशतर अफराद शिर्क के मुर्तकिब हैं। आप जाकर देख लीजिए, ये दरगाहें, ये मज़ारात, ये खानकाहें, इनका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, किताबो सुन्नत में कहीं इनका जिक्र फिक्र नहीं है, और खैरुल कुरून में बेहतरीन ज़मानों में न खानकाहें थीं, न दरगाहें थीं, न मज़ारात थे, न ये बैत का सिलसिला जारी था, न ये तसव्वुफ़ के बहुत से शोबे थे, कोई सिलसिला नहीं था, न कादरी सिलसिला था, न सोहरवर्दी था, न चिश्ती था, न नक्शबंदी था, कोई सिलसिला नहीं था। आप ढूंढ लीजिए, तलाश कर लीजिए, सहाबा इकराम के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जितने सिलसिले हैं ये सब शिर्क के अड्डे हैं, बिदआत और खुराफात के मकामात हैं। अब भोले भाले अनजान मुसलमान, दीन से नावाकिफ लोग उन पीरों और फ़कीरों के मलंगों के झांसे में आते हैं और अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। आप देखिए, मलंगों का एक सिलसिला है, वो सारे बदन पे मोटे मोटे घुंघरू लटकाए रखते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं और वो डांस करते हैं, बाकायदा कब्रों के बाहर नाचते हैं। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पर है,
आप जाकर देख लीजिए, सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या ये इस्लाम है? क्या ये अल्लाह ताला का पाकीज़ा दीन है जो उसने अपने नबी पर नाजिल किया है? क्या सहाबा कराम ने ऐसे ही अमल किया था? क्या उनके शागिर्दों का यही वतीरा था? तो तलाश कर जाइए, कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक और सिलसिला है, सिलसिला मदारी, आजकल उसकी भी बड़ी शोहरत हो रही है। वो बड़े लंबे लंबे बाल लगते हैं, बाल काटते ही नहीं है सर के, और फिर जब बाल बहुत लंबे हो जाते हैं तो पगड़ी के अंदर लपेट लेते हैं उनको, और लगता है कि बड़ी मोटी मोटी गठरियां उनके सरों पर रखी हुई। ये क्या है? ये दीन है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? आपके सहाबा का तरीका है? ये नारे या रसूल अल्लाह के लगाएंगे, लेकिन जब आप उनसे कहेंगे ये बाल इतने लंबे आपने क्यों रखे हैं, तो फिर कहेंगे हमारा सिलसिला है, शाह मदार का यही सिलसिला है, उनका यही तरीका है, हम उसके पाबंद। यानी इताते रसूल से बाहर निकल जाएंगे। तो इताते रसूल में खयानत हो रही है, अकीदे तौहीद में खयानत हो रही है। तो मेरे भाइयों, आज उम्मत खयानत का शिकार है, दीन में खयानत मुसलमानों के जरिए हो रही है। और जो कौम खयानत की मुर्तकिब होती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती, फलाह नहीं पा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ये अमानत है हमारे पास। दिल की गहराइयों से हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करते हैं, और इस अमानत का हमें पूरे तौर पर हक अदा करना चाहिए कि हम किसी दूसरे को मनसब रिसालत पर न बिठाएं। क़यामत तक के लिए हम कोई इस लायक नहीं है कि उसे रिसालत के मनसब पर बिठाया जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क़यामत तक के लिए। आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अपनी कब्र में मौजूद हैं, लेकिन आपकी रिसालत पूरी दुनिया में जारी और सारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। किसी दूसरे को रसूल मान लिया किसी भी तरह का, तो ये अकीदा रिसालत में खयानत है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मोहब्बत रसूल ईमान का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये ईमान का बुनियादी जुज़ है। अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता है, या करता है लेकिन कुछ दूसरों से कम करता है, तो ये आदमी मोमिन नहीं है। मशहूर हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने बारहा सुनी होगी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम्हें का कोई भी शख्स कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। अल्लाह ताला के बाद मोहब्बत रसूल ईमान का मेयार है, ईमान का हिस्सा है, और ये वालिदैन से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा, सारे लोगों से ज़्यादा। इसी तरह इताअत रसूल मोहब्बत रसूल का तकाज़ा है। इताअत रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, ये भी अमानत है, लेकिन इसमें बड़ी खयानत हो रही है और मुसलमान कर रहे हैं खयानत, मुस्तकिल कर रहे हैं।
सुन्नत नबवी को पसे पुश्त डाल रहे हैं, पीठ के पीछे डाल रहे हैं, उससे आंखें चुरा रहे हैं, और जो दिल में आता है वो करते हैं। दुनिया के बहुत सारे लोगों को हमने अपना आइडियल बना लिया, उन्हीं की तरह का हम लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह का के बाल रखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह के का रहना सहना हम पसंद करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं, और हम अपने को मॉडर्न समझते हैं कि हम मॉडर्न हैं। कोई दीन की बात करता है तो ये पुराने ख्याल के लोग हैं, ये पुराने ख्याल के लोग हैं, दकियानूस हैं। हम मॉडर्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे भाइयों, आज बेहयाई और यानियत, नंगापन, ये मॉडर्न होने के नाम पर हमारे माशरे में दाखिल हो रहा, और हम उस कौम की पैरवी कर रहे हैं जिसके यहाँ अखलाकियात और तहजीब व तमद्दुन का कोई वास्ता नहीं है। जिस कौम को यूरोप का जो कल्चर है, वहाँ बेशुमार लड़कियाँ शादी से पहले माँ बनती हैं। आप लोग ये सारी खबरें जानते होंगे, बेशुमार लड़कियां शादी से पहले मां बन जाती। हम ऐसे लोगों को हमने आइडियल बना लिया है, उनके पीछे हम चल रहे हैं। मेरे भाइयों, ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में खयानत है, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत की वो बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा मुजरिम है। खसरत दुनिया वल आखिरा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। वो दुनिया में भी नुकसान में है, आखिरत में भी नुकसान में है, और ये खुला हुआ नुकसान है। तो मेरे भाइयों और अजीज़ों, हम खयानत के रास्ते को छोड़ दें, अल्लाह के साथ जो हमारा वादा है उसे पूरा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लेने के बाद जो अहद व पैमान है उसे हम पूरा करें। मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल में किसी को दाखिल न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के बाद, आपकी सही हदीस सुनने के बाद, फिर कोई आदमी अगर ये कहे कि मियाँ ये आपके यहाँ होगा ये मसला, हमारे यहाँ तो ऐसे है, अगर उसके पास दलील नहीं है और कोई सही हदीस पर मबनी मसला नहीं है उसके पास, और सही हदीस को ये कहकर वो छोड़ रहा है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता आया, हमारे बड़ों ने ऐसा किया, वो खाइन है इताअत रसूल का, उसने खयानत की है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में। इताअत अमानत है, और उसका तकाजा है कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ हम तक पहुंच जाए उसके आगे हम सर झुका दें, उसे हर हाल में कबूल करें कि हमें अब ज़िंदगी इसी के मुताबिक गुजारनी, कोई हीला बहाना नहीं करना। लेकिन आज मेरे भाइयों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इताअत रसूल में भी खयानत करते हैं, मोहब्बत रसूल में भी खयानत करते हैं, अकीदे रिसालत में भी खयानत करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, वालिदैन और औलाद, दुनिया में सबसे करीब तरीन रिश्ता माँ बाप और औलाद के दरमियान है, इससे करीब कोई रिश्ता नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बाद फिर माँ बाप का मकाम आता है, माँ बाप का दर्जा आता है। और मेरे भाइयों, जिनके वालिदैन जिंदा हैं या उनमें से कोई एक मौजूद है,
उसके पास बड़ी नेमत है अल्लाह की, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, बहुत सारी खैर उनके पास से चली गई है। माँ बाप की दुआएं औलाद के लिए बेहतरीन ग़िज़ा होती है, रूहानी ग़िज़ा होती है। इसलिए वालिदैन को कभी तकलीफ़ न पहुँचाएँ, उनका अदब करें, एहतराम करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी खिदमत करें। वो बड़ी दुआएं देते हैं अपनी औलाद को, औलाद अगर नाफरमान भी है तब भी माँ बाप दुआएं देते हैं। और माँ बड़ा मकाम है उसका, कैसा ही कैसी ही औलाद हो, माँ का दिल औलाद के लिए तड़पता है। घर में अगर देर से आ रहा है तो तड़प जाती है, कहाँ अभी तक क्यों नहीं आया। मेरे भाइयों, जिनके पास वालिदैन की नेमत है, ये अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत का हक अदा करें, इसकी कदर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या बेहतरीन अंदाज में वालिदैन के हकूक को बयान किया है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िं वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद दुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सूरह बनी इसराइल की बड़ी अहम आयत है। अल्लाह फरमाता है कि हमने फैसला कर दिया है, यह हमारा फैसला है, तुम्हारे रब का फैसला है कि अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक न समझो, किसी की इबादत मत करो, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। वो दोनों मौजूद हों या उनमें से कोई एक मौजूद हो, किस तरह तुम्हें बाअदब रहना है, उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं करनी है, उफ भी नहीं कहना है, और निहायत करीमाना अंदाज में उनसे बातचीत करनी है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, और उनके लिए अपने बाजू बिछा दो, जिस तरह बचपन में उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में रखा है, इसी तरह उनके बुढ़ापे में तुम उन्हें अपनी गोद में रखो, और दुआ करो उनके लिए। दुआ अल्लाह ने सिखाया, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ हमारे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम व करम किया। बचपन में मेरे माँ बाप ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, उसी तरह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये छोटी सी दुआ है वालिदैन के लिए, इसे याद कर लीजिए, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। इसी तरह मेरे भाइयों, औलाद भी अल्लाह की नियमत है, अल्लाह की अमानत है। जिनके पास औलाद नहीं है, उनसे औलाद की अहमियत मालूम कीजिए। अल्लाह ने जिन लोगों को औलाद की नेमत से नवाजा है, उन पर जिम्मेदारी है कि औलाद बहैसियत अमानत हमारे पास है, हम उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें, उन्हें अखलाक सिखाएं, उन्हें तहजीब सिखाएं, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं, अच्छा मुसलमान बनाएं, उनके अंदर वो खूबियाँ पैदा करें
जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब हैं वो चाहते हैं कि ये इस खूबी का मुसलमान। मेरे भाइयों, आज इस जानिब भी हमारी तवज्जो कम है। हम इस अमानत का हक अदा नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे, नौजवान, आप पूछ लीजिए नौजवानों को बुलाकर, दीन का कोई मसला मालूम कर लीजिए, नमाज की कोई दुआ उनसे सुन लीजिए, नहीं सुना पाएंगे इल्ला माशाअल्लाह। दीन के बुनियादी अरकान मालूम कर लीजिए, नहीं बता पाएंगे। तौहीद जो बुनियाद है उसकी किस्में कितनी हैं मालूम कर लीजिए, और वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, बाद बूढ़े लोगों को भी मालूम नहीं होगा कि तौहीद की किस्में कितनी हैं और क्या क्या हैं, क्योंकि सीखते नहीं, मालूम नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आज के दौर में ये उज़्र बाकी नहीं रहा है कि हम पढ़े हुए नहीं हैं। आपके हाथ में जो आला है, मोबाइल है, उसके ज़रिए आप अकीदे तौहीद के बारे में सुन सकते हैं, सुनकर मालूमात हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज ये बहाना दुनिया में भी नहीं चलेगा, अल्लाह के यहाँ तो चलने वाला है ही नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई कान में, कान तो सही हैं, अल्लाह ने समाअत की ताकत और कुव्वत तो दी है, तो सुनो, उलमा के पास बैठो, वक्त लो उनसे, आओ उनके पास और मालूम करो कि हमें ये सिखा दें, ये दुआ सिखा दें, इस अकीदे के बारे में कुछ बता दें। मेरे भाइयों, आज हम जिस नाहिये से भी अपने आप को देखें, वहाँ हर तरफ सुस्ती और काहली है, कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग जुमे में आ गए, फिर पूरे हफ्ते मस्जिद नहीं आते। जुमे में जो कुछ सुना, कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ नींद की नज़र हो गया, यहाँ भी तो आके लोग सो जाते हैं। सुनते ही नहीं है, जब सो गए तो क्या सुनेंगे। तो मेरे भाइयों, ये खुतबा जुमा भी ये दर्स है, ये तालीम व तालुम है, ये इल्म हासिल करने का एक बड़ा जरिया है। इसमें आप हाजिर हो गए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब इसका तकाजा है कि असर में भी आए, मगरिब में भी आए, इशा में भी आए। आज हमारे जिन मोहल्लों में मुसलमानों की गालिब अक्सरियत है, वहाँ फजर की नमाज़ में जाके दौरा कर लीजिए उन मोहल्लों का, कितने लोग नमाज फजर में हाजिर होते हैं, कितने लोग नमाज फजर बाजमात अदा करते हैं, बहुत बुरा हाल है। हाँ, अब 10-12 दिन के बाद माह मुबारक शुरू होने वाला है, तो मस्जिदें आपको भरी मिलेंगी। लगता है कि नमाज की फर्जियत का हुक्म अभी नाजिल हुआ, इससे पहले ये हुक्म आया ही नहीं था, आज ही नाजिल हुआ है किसी पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में है नहीं, अगर कोई ये समझे तो फिर किस पर नाजिल हुआ। मेरे भाइयों, ये नाजिल हो चुका है और सब जानते हैं कि नमाज फर्ज है। गए से गया मुसलमान भी ये जानता है कि नमाज फर्ज है। और ये जान लीजिए कि अगर कोई ये समझता है कि नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। और इससे आगे की बात भी सुन लीजिए, अगर उसका ये अकीदा है कि नमाज फर्ज नहीं है और उसकी बीवी नमाज फर्ज मानती है और नमाज पढ़ती है, तो वो उसकी बीवी नहीं रही, ये तो इस्लाम से बाहर हो गया, नमाज की फर्जियत का इनकार करके इस्लाम से बाहर हो गया, वो मुसलमान औरत इसके निकाह में बाकी नहीं है।
घर टूट गया, खत्म हो गया, बड़ा नाजुक मसला है। इसलिए मेरे भाइयों, औलाद की तरबियत और उनकी तालीम पर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। इस बारे में अक्सर मैं मिंबर से बातें करता रहता हूँ, कई लोग तो उकता भी जाते हैं, मियाँ आप जब देखें तालीम की बात करते हैं उकता जाते हैं लोग, भाई क्या करें आप बता दें, मैं क्या कहूँ, जो आप कहलवाना चाहें वो बता दें मुझको, फिर वही कह दूँगा कि बच्चों को ना पढ़ाओ, बच्चे ऐसे घूमते फिरें, बच्चे मोहल्लों में गालियाँ सीखें, बच्चे नमाज ना पढ़ें, ये कहा जाए, क्या कहलवाना चाहते हैं लोग। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये बात आपसे कहते रहेंगे, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद याद दिलाते रहेंगे, और इसी के नतीजे में अल्लाह के यहाँ जवाबदही से बचेंगे, ये तो हम भी अल्लाह के यहाँ मसूल हैं, जवाबदेह हैं कि हमारे सामने बुराई हो रही थी, हमने क्यों नहीं टोका, क्यों नहीं बताया। तो इसलिए मेरे भाइयों, फजूल खर्ची बंद करो, शादियों में फजूल खर्ची बंद करो, वो पैसा बचा कर बच्चों की तालीम पर लगाओ, स्कूल कायम करो, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, अच्छे प्राइमरी स्कूल बनाओ जहाँ दीनियात की भी तालीम हो और अंग्रेज़ी की भी तालीम हो। आज इसकी सख्त ज़रूरत है, मुसलमान ये काम हर शहर में कर लें तो 8-10 साल में इनकलाब आ जाएगा, मुसलमानों की काया पलट जाएगी, हालात तब्दील होंगे। तो मेरे भाइयों, ये औलाद ये हमारे पास अमानत है, इसी तरह इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, ये सब अमानत है, इनको अपने हिसाब से अपने वक्त पर इनकी अदायगी हो, नमाज की अदायगी हो, ज़कात फ़र्ज़ है तो उसकी अदायगी हो, हज फ़र्ज़ हो गया है तो उसकी अदायगी हो, रमज़ान आ रहे हैं रोज़े की, रोज़ा रखें लोग, बहाने न बनाए। तो जुमला इबादत अमानत है। तो मेरे भाइयों, जो अमानत अल्लाह ने हमारी तरफ भेजी है, हम उस अमानत का हक अदा करें, खयानत से बचें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की इस अमानत का हक अदा कर सकें, और अल्लाह हम सबको खयानत से महफूज रखे। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفارا